आगे बढ़ते और बात करते हैं हलाल है हराम, सपा क्यों है परेशान। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट बैन को लेकर विवाद तेज हो गया है। सर्टिफिकेट बैन को लेकर हलाल ट्रस्ट ने कहा है कि सरकार के फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। यूपी के कई शहरों में कल खाद्य विभाग ने छापेमारी भी की है। हलाल पर योगी सरकार का आदेश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। AIMPL भी सरकार के इस फैसले को इस्लामोफोबिया से ग्रसित बता रहा है और अब बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की बात कही है। तो IPC इंडियन पेनल कोड में तमाम दफा है, उसका मुकदमा कीजिए आप। बैन करने की क्या बात होती है? बैन करने से तो लगता है कि सरकार कमजोरी दिखा रही है, सरकार एक खास विचारधारा के विपरीत काम कर रही है। और मैं स्पष्ट कहूं तो इस्लामोफोबिया से ग्रसित है सरकार। इस बीच यूपी में कई जगहों पर खाद्य विभाग की टीम ने बाजारों में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स की जांच की। गाजियाबाद, सीतापुर, कानपुर, पीलीभीत समेत कई जिलों में दुकानों और स्टोर्स पर हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट मिलने पर उन्हें जब्त कर सील करने की कार्रवाई भी की गई। हलाल पर बवाल तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 4 संस्थाओं को बैन कर दिया। जो कंपनियां इनसे हलाल सर्टिफिकेट लेती हैं, उन पर भी FIR दर्ज की गई है। कार्रवाई के पीछे सरकार का अपना लॉजिक है। पहला ये कि ऐसे सर्टिफिकेट देने के लिए FSSAI है तो किसी और को हलाल सर्टिफिकेट देने का कोई हक नहीं है। दूसरा ये कि खाने पीने की चीजों को हलाल और हराम में बांटना मजहबी बंटवारे जैसा है। हालांकि विरोधी पार्टियों को योगी सरकार के फैसले के पीछे कोई और ही वजह नजर आ रही है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों को दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट इस्लामी मान्यताओं की पुष्टि करता है, यानी मुस्लिमों के लिए मान्य उत्पाद होने की गारंटी देता है। अवैध रूप से इसमें कुछ संगठन और लोग इन्वॉल्व थे जो इस सर्टिफिकेट के द्वारा धन वसूली करते थे और जिनका उपयोग वो इस्लामिक प्रचार प्रसार या अपने उन गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे, अर्थात धार्मिक रूप से भी भावनाएं आहत हो रही थी। वैसे तो ये पिछले 2-3 दशकों से होता आ रहा था, मगर फिलहाल यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाली संस्था के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद इस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने हलाल प्रोडक्ट बैन करने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी सीएम योगी को गुमराह करे, हलाल प्रोडक्ट से भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर पहुंच गए। सर्टिफिकेशन के लिए मौलाना अरशद मदनी को भारत रत्न देना चाहिए। हलाल प्रोडक्ट पर बैन को लेकर सपा प्रवक्ता अमीक जामई ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किसी ने समझा दिया कि हलाल जो सर्टिफिकेशन है ये कोई एंटी नेशनल काम है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नरेंद्र मोदी के राज में पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है मीट में। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में बेशक जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो नेस्ले ले लीजिए, मदर डेरी ले लीजिए, पतंजलि बाबा रामदेव की ले लीजिए, ये सारे सर्टिफाइड हलाल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मतलब इसका कोई शरिया भारत में नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री जी, जिसने भी आपको समझाया है। इसके करने से ये है कि जो करोड़ों करोड़ मुस्लिम सोसाइटी के लोग भी जो इसका सेवन करते हैं, वो इनसे खरीदारी करते हैं। तो अब आपने अगर हलाल सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया तो जितने भी फर्म्स हैं इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिकना बंद हो जाएंगे। योगी जी, ये जिसने भी आपको मशवरा दिया है ये आपकी सरकार का दोस्त तो नहीं है। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हलाल के मामले की जांच STF को दे दी गई है। STF ने पूरे मामले में टेरर फंडिंग का भी शक जताया है। STF की टीम हलाल सर्टिफिकेशन के लिए जांच के लिए चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएगी।
अपनी जांच में एसटीएफ कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बैंक खातों की भी पड़ताल होगी। जांच में एसटीएफ पता लगाएगी कि देश में हजारों करोड़ रुपए के हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार के जरिए आतंकी संगठनों को देश विरोधी गतिविधियों के ये मदद तो मुहैया नहीं कराई जा रही। तीन तस्वीरें, हलाल का फर्जी कारोबार चल रहा था, योगी सरकार ने एक्शन लिया, टेरर फंडिंग एंगल से जांच भी की जा रही है, यूपी एसटीएफ अब पूरे मामले की जांच कर रही है, देश विरोध साजिश का शक है, चेन्नई टू मुंबई होगी पूरी तफ्तीश। तीन तस्वीरों के जरिए पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, हलाल है आराम, सपा क्यों परेशान। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें तीन खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से रहेंगे आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमीक जामई रहेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से, जामई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष चौहान है निर्यात विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संतोष चौहान जी पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते, थोड़ा फंडा आप बताइएगा सर। भुवन जोशी जी माफ कीजिएगा, भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़े, भुवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष चौहान जी आप थोड़ा सा बताइए कि आप निर्यात विशेषज्ञ हैं, ये जो हलाल प्रोडक्ट एक सर्टिफाइड दिया जाता है इसका नफा नुकसान थोड़ा बताएंगे हमें। मैं तो इंपोर्टर हूं जी, मैं फ्रूट्स इंपोर्ट करता हूं जी। अगर आप इसमें देखा जाए, अगर इसमें भी हलाल सर्टिफिकेशन लग जाए अगर फ्रूट्स में भी, तो उससे काफी बड़ा नुकसान होगा। फल पे वैसे भी गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया है। फसाई सर्टिफिकेशन जो भी होता है वो क्वालिटी चेक करने के लिए होता है, वो भी पोर्ट पे, और यहाँ पे और भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। बट जो हलाल, जो मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एनिमल्स के छोड़कर ही और कोई भी प्रोडक्ट पे लागू नहीं होना चाहिए, जिससे कि लोगों को काफी असर होगा। और खास करके जब मैं फिर सर्टिफाइड, आप तो जानते होंगे इन बखूबी, जब FSSAI बनी हुई है ऑलरेडी, तो बाकी इधर उधर की ट्रस्ट वो क्यों सर्टिफाइड कर रही है, वो क्यों सर्टिफिकेशन दे रही है, ये गलत है ना फिर तो ये। सर देखिए, मेरे ख्याल से तो जो फसाई डिपार्टमेंट है इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया, जो क्वालिटी चेक कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि हलाल की जरूरत है अदर देन दी मीट प्रोडक्ट। चलिए मैं लौटूंगा सर, हमारे साथ भुवन जोशी जी भी जुड़े हैं। भुवन जी, समाजवादी पार्टी क्यों परेशान हो गई? हमारा परेशान होने का कोई मकसद नहीं है, हमारा तो मकसद यह है कि जो मैं 125,000 करोड़ का आज व्यापार बढ़ गया है, ये केवल धार्मिक एंगल को देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी इसमें कर रही है। और जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हिमाचल में, कर्नाटक में और घोसी में जो इनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मुद्दा लाकर देश को एक विभाजन की जो इनकी पॉलिसी है उस ओर ले जाना चाहती है, ताकि उन्माद फैले, लोगों में धार्मिक बंटवारा हो और इनको राजनीतिक लाभ लोगे। लेकिन जनता इन सबको समझ चुकी है, और इसमें भी भेदभाव है व्यापार में भी। आप देखिए ना, पतंजलि का, अमूल का, नेस्ले का, इनके प्रोडक्टों पर क्या कोई बैन है? ये भी तो हलाल कर सर्टिफिकेट लेके बेच रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे दोमोही कार्रवाई के रूप में हम इसको देख पा रहे हैं। और जब भारत में इतनी आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है कोरोना काल के बाद, और उसमें सबसे ज्यादा 125,000 करोड़ का व्यापार बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे तो सरकार जब आप ये बताइए ना, मैं भुवन जी, जब FSSAI है सारी सर्टिफाइड वो ही करती है, आपको भी पता होगा, जो मैं भी बचपन से यही देखता आ रहा हूं बहुत लंबे वक्त से, सालों से। अब इसमें बाकी जो हलाल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, चेन्नई से, दिल्ली से, ये सर्टिफाइड कर रही हैं, ये पैसा कमा रही हैं, ये पैसा क्यों कमा रही हैं, ये पैसा कहां जा रहा है, ये एक बड़ा इशू आ रहा है ना बीजेपी, और ये तो ये अपनी दलीलें दे रहे हैं। देखिए, इसमें भी तो सरकार पे ही प्रश्न है। 7 साल आज योगी सरकार को हो गए, 10 साल आज मोदी सरकार को हो गए, तो क्या स्थिति है? क्या सरकार के नाक के नीचे ये हो रहा है? ये भी तो इसमें भी सरकार कटघरे में है। नहीं, आप सही, लेकिन ये तो शिकायत की गई ना, एक मुद्दा उठाया गया, शिकायत सरकार तक पहुंची और सरकार ने उसका संज्ञान लिया, ये शिकायत गई थी सर बाकायदा। मैं आपसे, मैं बिल्कुल पूरे विषय का मैंने संज्ञान लिया, पूरे अच्छे से अध्ययन करा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सरकार की दोहरी नीति क्यों है? नेशनल पे, पतंजलि के, अमूल के प्रोडक्ट भी हलाल प्रोडक्ट है, ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, ये बीजेपी से पूछ लेते हैं, बीजेपी वालों से पूछ लेते हैं। आनंद दुबे जी, आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है?
सर अब ये तो आप जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जी ने साफ कर दिया, भुवन जी कह रहे हैं कि देखिए इससे तो और नुकसान होगा, और मुस्लिम समाज के अंदर हलाल और हराम माना जाता है, उसे बहुत ज्यादा नजरिए से देखा जाता है, और ये सर्टिफाइड नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, इससे तो बिजनेस चौपट होगा। वो तो पतंजलि का भी उदाहरण दे रहे हैं, नेस्ले का भी उदाहरण दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं कल से सुन रहा हूं ये हो गया तो बिजनेस चौपट हो जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, इतने लाख करोड़ का बिजनेस है, इतने लाख करोड़ का बिजनेस है। यही डर, इसी को कहते हैं डर दिखाकर किसी चीज को प्रमाणित करना और किसी चीज को ऊंची ऊंची आवाज में बोलना। ये वही डर है जो ये कहते थे 370 हटेगा तो देश जल जाएगा, राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये उसी टाइप का कुछ डर है कि अगर हलाल सर्टिफिकेट हट गया, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं हुआ तो भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, एक चीज। दूसरी चीज, हलाल हलाल क्या, जो ये हराम बिजनेस चल रहा था, बताइए देश में FSSI है, ISO है, ISI है, ये सर्टिफिकेशन का काम करती है, इनके बाकायदा सरकार के नियंत्रण में काम कर रही सरकार की एजेंसियां हैं, इनके अपने लेबोरेटरी हैं, इनका अपना मानक है, पैमाना है। अब कल की डेट में कोई अपना एक टेबल कुर्सी लगा के कमरा खोल ले, कहे भैया मैं सर्टिफाई करूंगा, इस तरह कल की डेट में हिंदू कहे कि नहीं स्वास्तिक सर्टिफाइड हम चीजें खरीदेंगे, ईसाई कहे हम वेटिकन सर्टिफाइड खरीदेंगे, कोई कहे हम खालसा सर्टिफाइड खरीदेंगे, तो ये देश तो अलग अलग जातियों जनजातियों अलग अलग धर्मों से जुड़ा हुआ है, फिर कहा जाए और सबकी मान्यताएं अलग अलग है, फिर ये कहा जाए कि जातियों के आधार पर भी सर्टिफिकेशन होगा। अरे भैया ये देश संविधान से चल रहा है, शरिया से नहीं चल रहा है, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन जो हलाल के बिजनेस में हराम की कमाई कर रहे थे उनको झटका लगा है, और जो इस हराम की कमाई में चंदा लेते थे उनके बीच में बौखलाहट है, उनको तकलीफ है। अब समाजवादी पार्टी है, ये हर चीज में धार्मिक एंगल ढूंढती है, जब टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं तो समाजवादी पार्टी के सीने में दर्द होता है, ये तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों के मुकदमे तक वापस लेने की पैरवी करते हैं। भुवन जी जवाब दीजिए, भुवन जी एक बड़ा सवाल है, भुवन जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने तो हलाल को जो सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है वो बैन किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एंगल तो आप ही दे रहे हैं ना अब, कि ये तो मुसलमानों पर खासकर विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे, कर दिया आपने फिर। देखिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी क्या कह रहे थे, आतंकवाद से हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूरा देश जानता है कि कंधार को मैं रेड कार्पेट में आतंकवादियों को छोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा, डाकू तहसीलदार सिंह को टिकट आपने दिया नेताजी के खिलाफ, आदरणीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर यह किसके संबंध है। दूसरा आज मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यूपी में रेवेन्यू जो है वो सरप्लस है, और यूपी में अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आम जनता के लिए बिजली महंगी क्यों है हमारा प्रश्न है, किसानों के लिए DAP क्यों नहीं मिल रही है, 112 की लड़कियों को क्यों हटाया गया, प्रदेश की सड़कों में गड्ढे क्यों है, अस्पतालों में बेड क्यों नहीं है, 1700 जो शिक्षक भर्ती है इसमें सामाजिक न्याय कहां चला गया, तो ये हमारे बड़े मुद्दे हैं। और सच्चाई तो यह है असल में अब जनता गुमराह होने वाली है नहीं है, आगामी चुनाव जनहित के मुद्दे पर होंगे, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो पतन लगातार आप देख रहे हैं प्रदेश वाइज और जिले, अभी आप घोसी में भी यूपी में। भुवन जी इसकी तो आप निंदा करिए ना, कोई कैसे भी कैसे ट्रस्ट कोई सर्टिफाइड कैसे कर सकती है, चलिए वो आप नफा नुकसान छोड़िए पहले, या आप छोड़िए हिंदू मुसलमान, पहले आप बताइए ना, आप भी थोड़ी सी बात करिए, जब कोई सर्टिफाइड है ही नहीं संस्था, वो खाद्य पदार्थों को कैसे सर्टिफाइड कर देगी, जब इस देश में ऐसे नियम क्यों ऐसे हो जाएगा। मैं तो ये तो प्रश्न सारा भारतीय जनता पार्टी से है, 7 साल की इनकी प्रदेश की सरकार है, 10 साल की केंद्र सरकार है, ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देने हैं। ये तो कटघरे में तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें हमारी सरकार तो है नहीं, ना सेंटर में ना स्टेट। अब ये कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल बिल्कुल साफ। ठीक है आनंद दुबे जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात जल्दी से। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार है क्या कर रही थी, अरे हमारी सरकार है इसीलिए कार्रवाई हो रही है, हमारी सरकार है इसीलिए कई ऐसे परंपराएं कई ऐसी फालतू चीजें जो चल रही थी उसको खत्म करने का काम किया है। लेकिन आप बताइए आप भी तो सत्ता में रहे, आपने क्यों नहीं कर दिया, आप उनसे चंदा ले रहे थे क्या, सत्ता में तो आप ही रहे। नहीं दुबे जी लेकिन आपको याद क्यों आ रही है, ये बात भी सही कह रहे हैं ना, इतने दिन बाद याद आई, ठीक है शिकायत पहुंची, एक बाकायदा शिकायत हुई थी, शिकायत सीएम योगी तक पहुंची, सीएमओ तक पहुंची, उसके बाद जांच हो रही है, लेकिन इतने दिन बाद आप जाग रहे हैं। देखिए
सरकार समय समय पर जो भी मामले संज्ञान में आते हैं, जो भी चीजें होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, और हम कार्रवाई कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सत्ता में रहे, इन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई कर दी? इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने तो नाम तक नहीं लिया। ये तो बहुत सारी चीज है, मैंने बताया ना कि ये किस किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में करते थे, ये सारे लोग जानते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों ये बताइए कि ये जो संस्थाएं हैं इनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। यही चीज मैं आऊंगा। संतोष चौहान जी, एक सबसे बड़ी बात है, चलिए हिंदू मुसलमान छोड़िए, नफा नुकसान छोड़िए, हालांकि हलाल और हराम देखिए बहुत खासकर मुस्लिम समुदाय के अंदर बहुत मायने रखता है, लेकिन संतोष जी लेकिन कोई भी ट्रस्ट ऐसे थोड़े सर्टिफिकेट दे सकती है? लड़ाई तो यही है ना, क्योंकि आतंकी फंडिंग की बात आ रही है कि भैया आतंकी फंडिंग भी दे रहे हो, क्या कहां कैसे जा रहा है ये पैसा? सर मेरा तो ये कहना है जो गवर्नमेंट बॉडीज बनाई गई है, जैसे फसाई है, उसके बाद में आईएसओ है, और बहुत सारे जो सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट बॉडीज ने बनाई गई है, मुझे लगता है उसी को फॉलो करना चाहिए। जो हम देखिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वही सब डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं, और ऐसे कोई नई चीजें नहीं करते हैं। लेकिन देखिए जो हलाल की जब बात आती है, जब हम यूएई में हम जब एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं कुछ भी प्रोडक्ट्स की, तो डेफिनेटली वहां पर हमें रिक्वायरमेंट आती है हलाल की। बट हम लोगों ने भी उसके लिए बहिष्कार किया है कि हम लोग ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे उसके लिए, क्योंकि कैसा है कि हम एक अगर एक एक्सपोर्टर लेगा तो सभी एक्सपोर्टर को लेना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं भी कुछ इसके अगेंस्ट में हूं, और मैं यही कहना चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हलाल को जो है बैन करना चाहिए इंडिया में, खास करके अगर मीट की बात है तो वहां पर आप नहीं। सर अब तो आप भी लोग कह रहे हैं, आप पहले आप तो लंबे वक्त से जुड़े हुए, तो आप लोगों ने ये मसला पहले क्यों नहीं देखा? सर देखिए कैसा होता है ना, सर हम लोग एक्सपोर्टर है, राइट? हम नफा नुकसान देखते हैं, हमारा बिजनेस कहीं रीजन से अटकता है तो हमें वो सर्टिफिकेशंस के लिए कहते हैं कि नहीं सर आप ये सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो सर आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा। चलिए मैं तो माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। आनंद दुबे जी, भुवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां भी कोई हिंदू या मुसलमान से जुड़ा मामला आता है तो उस पर सियासत हो जाती है, इसलिए हलाल है हराम, सपा परेशान, यही बात कर रहे थे। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।